हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सी ब्लॉग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो गाइस, मैं आपसे आज अपने पिछले 1 मंथ के ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं आपसे ये बताने वाली हूँ कि मैंने पिछला जो भी 1 मंथ आपसे ब्लॉगिंग किया और आपसे बातें की, आप लोग को अपना वीडियो, अपना इंटरटेनमेंट और अपनी कुछ फ़नी शॉर्ट्स जो भी मैंने आप लोग से शेयर किया, ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। अभी मेरा फर्स्ट है, स्टार्टिंग है, इस वजह से मैं थोड़ा कंफर्ट रहती भी हूँ, नहीं रहती हूँ, लोग भी, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे सोचना पड़ता है। बैकग्राउंड आवाज़ जैसे हो गया, कैमरे में मैं अच्छी दिख रही कि नहीं दिख रही, मेरी हेयर कैसे हैं, मतलब कि मेकअप सही है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी मैं। और कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि क्या है मेकअप वेकअप, मुझे तो सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है, कहीं भी कुछ अच्छा मोमेंट दिख रहा है मुझे तो मैं वीडियो बनाने लगती थी, बोलने लगती थी, ये सब चीज़ें। जैसे कि कैमरा, मेरा फ़ोन, किसी का भी फ़ोन, मतलब बैकग्राउंड कैमरा और बैकग्राउंड आपको आवाज़ पता है। और जैसे मैं अपनी गाड़ी के बारे में भी आपसे शेयर की, ओला S1, तो मैंने गाड़ी के साथ भी आप लोग के साथ ब्लॉगिंग किया है, बात की है, मैंने दिखाया भी है। तो उसमें भी मैं जैसे जाती थी तो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ता था और मेरे पास सेल्फी स्टिक, मतलब एक फ्रेंड ही है मेरे पास, मेरी रूममेट है, उसको तो मैंने आपसे मिलाया है। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं मैंने उसके साथ ही अपनी ब्लॉगिंग की है। और दोस्तों, मतलब मैं जितने भी वीडियोस अभी बनाई हूँ, अच्छा बना भी है नहीं बना है, मेरे से तो अभी तक अच्छे से थंबनेल बनाना नहीं आता, फिर भी मैं प्रैक्टिस में लगी रहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेरे से बन जाए। इधर उधर यूट्यूब में वीडियोस देखते रहती हूँ, अपने रूममेट से सपोर्ट लेती रहती हूँ, वो भी अच्छे मेरी मदद कर रही है। मैं आप लोग से यही बताना चाह रही हूँ कि जब मैं वीडियो बनाती थी तो बैकग्राउंड आवाज़ बार बार उसको पॉज करना पड़ता था, आवाज़ के चलते फिर ऑन करो, इस वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम होती थी और कंफर्ट फील नहीं करती थी। कहीं भी बना रही हूँ तो लोग कहीं हंस रहे हैं बगल में, कोई कुछ भी मज़े ले रहा है, जिस वजह से मैं थोड़ा कंफर्ट नहीं फील करती थी वॉइस के चलते। और मुझे माइक, जैसे फ़ोन है, फ़ोन दिखाना, जैसे गाइस ये फ़ोन है, अब मैंने कैमरा चालू किया, अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, ये सब चीज़ें मुझे करना पड़ रहा था। तो ये फ़ोन से इधर की भी आवाज़ आ रही है, उधर की भी, पीछे की भी, सामने जो है वो भी हंस रहा है, पीछे जो भी है वो भी देख रहा है कि बंदी क्या कर रही है। इस वजह से मैं अभी न्यू 1 मंथ हुए हैं, मैं तो यूट्यूब पे देख के ही मैं जो भी कर रही हूँ, इस वजह से मैं कम्फर्ट फील नहीं करती थी। और वॉइस भी आपको पता है मोबाइल की, मुझे जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो बहुत सारे, मतलब ज़्यादा समय लग जाता था कि वॉइस आ रही है, इसको क्या करूँ, पीछे का कुछ भी कुछ, इस वजह से कुछ भी कुछ रिकॉर्ड हो जाता था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं कि मेरे वीडियोस पे मैं हटा ही नहीं पाई हूँ, जो मैं आप लोग को दिखा दी हूँ, अपलोड कर दी हूँ यूट्यूब पे, अपने चैनल पे। तो गाइस, मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि इन सब परेशानियों से मैं जो जूझ रही थी उसका मैंने हल निकाल लिया है। और मेरा तो काम, मतलब कि मेरे को यही जो फ़ोन है, मैं जब वीडियो एडिटिंग करती थी और मैं वीडियो बनाती थी तो मेरी फ्रेंड काफ़ी कुछ चीज़ें देखती थी कि बंदी लगी है, कर रही है मेरी, मतलब वो हेल्प कर रही है। और एक हाथ से भी गाड़ी चलाना पड़ता था उससे, तो मतलब अभी उसको सिखा दी हूँ, आती नहीं थी, ट्रैफिक वगैरह में वो नहीं चला पाती है, फिर भी मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई रिक्स ले वो। तो गाइस, उसने मुझे एक आइडिया, क्यों ना तू वायरलेस माइक ले ले, उसने मुझे मार्केट लेके गई, मतलब उसी को दुकान का शॉप का आइडिया था, मुझे तो था नहीं। ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में भी वो बात करके आई थी और उसने सब फाइनल करके आया था, बस मुझसे वो पूछना चाह रही थी कि क्या मुझे लेना है या नहीं लेना है, या फिर मैं नहीं भी लेती तो मुझे गिफ्ट कर देती, क्योंकि मेरा बर्थडे भी आने ही वाला है इसलिए वो पहले से पूछ रही थी। और मुझे इतनी ज़्यादा नीड थी कि वो देख ही रही थी कि मतलब कैसे 12 बजे 2-2 बजे रात तक मैं थंबनेल ही बना रही हूँ, कभी तो वीडियो 3 बजे रात अपलोड कर रही हूँ, एडिटिंग करने में इतना टाइम लग जाता है, रात में आके रिकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने फिर
मुझे जब वो लेके गई अपने जहाँ पे भी उसने बात करके आया था, देख के आया था शॉप, तो उसने मुझे ये केट का माइक दिलाई, उसी ने मुझे गिफ्ट किया है। करके देखते तो हैं क्या गाइस होता है चलिए अब उसका। इसे हम अनबॉक्स करते हैं। और मैं इसका चार्जर दिखा रही हूँ आपको, ये छोटा सा चार्जर है और ये अपना माइक है। इसको अपन ये कॉलर पे लगाते हैं, जो भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी अब मैं ऐसे बात कर सकती हूँ कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ कि ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अपने आवाज़ में बैकग्राउंड आवाज़ भी नहीं आएगी। और एक नंबर का माइक है और ये इसका रिसीवर है। इसको अपन फ़ोन पे ऐसे लगाते हैं और ये लगा रहेगा। और यहाँ पे अपन कुछ भी स्विच टॉक कर ऑन रहे भी हैं, है, बात कर रहे हैं, ब्लॉग स्विच कर ऑन रहे भी हैं, है। ब्लॉगिंग कर रहे हैं, स्विच ऑन यहीं से है। ये आपको मैं बटन दिखा दे रही हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इसको ऐसे यहाँ से स्विच ऑन किया और यहाँ से लाइटिंग की मतलब लाइट जल रही है, देखिए आप ग्रीन और रेड, मतलब वो ऑन हो चुका है। और हम इसको अभी ऐसे लगा के अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो ब्लॉगिंग करूँगी बनाऊँगी तो इसी माइक का मैं यूज यूज़ करूंगी। करूँगी और मैं देखूँगी कि इसकी क्वालिटी और आवाज़ कैसी है। वो तो मैं क्या, आप लोग भी देख ही लोगे कि कैसी है मतलब इसकी क्वालिटी और आवाज़। और मुझे कमेंट करके हाँ ज़रूर बताइए। बताएं आप, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पे बने रहें, कहीं पे कोई भी अगर मेरे चैनल में आपको दिख रहा हो कुछ भी कि अच्छा नहीं हुआ तो उसको आप कमेंट सेशन में बताएं ताकि मैं उसको और अच्छे से बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि बंदी कैसे क्या बना रही है कि कुछ भी, जैसे कोई देख के इग्नोर कर देता है ऐसे इग्नोर नहीं करना है। अब देख के बताओ तो कि यहाँ पे अच्छा नहीं था, हमको ये चीज़ देखना था, तो मैं वापस से आपको आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉगिंग करके दिखाऊं और बताऊं इस माइक के थ्रू। मिलते हैं दोस्तों आपसे तो नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण राधे।